फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकते हैं, जो डाइटिंग में है वो भी खा सकते हैं। तो ये है मिक्स खिचड़ी की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गाजर और बीन्स को छोटे छोटे कट कर लिए, एक प्याज लिया है, चार पांच लहसुन की कली, एक आलू को मैंने छोटे साइज में कट किया है, एक टमाटर है, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिए और पालक है। तो देखिए, पालक को मैं ऐसे धो दी हूँ इसको और ऐसे बर्तन में रख दी हूँ ताकि पानी निकल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं खिचड़ी बनाना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रेशर कुकर लिया है, यहाँ पे सरसों तेल डाल रही हूँ, दो चम्मच के करीब आपको यहाँ तेल डालना है, मैं यहाँ पे अंदाज से डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा आधी तेज पत्ता, जीरा आधा चम्मच, ये काले वाले सरसों है जिसको राई बोलते हैं, तो यहाँ डाल देते हैं। अब जाएगा ये लहसुन, मैं मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा कम तीखा बनाना है इसलिए आधा डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे एक प्याज डाल दे रही हूँ, थोड़े से इसे हिला देती हूँ। ये बहुत फटाफट से बन जाएगा। अब देखिए, मैं इसमें आलू डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो अब देखिए, ये सारी सब्जियां डाल लेती हूँ, गाजर और बीन्स। गाइस देखिए, एकदम हरा भरा दिख रहा है। गाइस देखिए, ये थोड़ा सा पकने के बाद अब मैं इसमें पालक डाल देती हूँ। हिला देती हूँ, पहले ऐड करूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक यहाँ पे 1 स्पून जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गोल मिर्च में एकदम थोड़ा सा डाल देंगे। अब यही पे कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ। इसे मैं थोड़ा सा मसाले को पकने देती हूँ, तब तक मैं चावल वॉश कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, लगभग ये इस डब्बे से मैं पूरा भर के नहीं ली हूँ, थोड़ा सा कर ली हूँ। एक मैंने चावल लिया है, दाल देखिए हाफ से भी कम, 1/4 लगभग दाल। अब इसे वॉश कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए, ये अच्छे से पक गया है, इसका जो टमाटर है वो अच्छे से गल गया है और ये मसाला भी भून गया है। तो मैं इसी स्टेज पे ये चावल डाल देती हूँ। अब चावल को इसमें थोड़ा सा भून लेती हूँ।
अच्छा आ जाता है। तो देखिए इसे दो चार मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। पानी यहाँ अपने हिसाब से डालिएगा, यहाँ आप चाहे तो नमक को टेस्ट कर सकते हैं कि नमक आ रहा है कि नहीं, यह नमक एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। तो अब इसे दो से तीन सीटी में ये पक जाता है, तो ये कुकर में तीन सीटी में पक जाता है दाल, तो तीन सीटी में ये भी पक जाएगा। तो इसके बाद गाइस चलिए देखते हैं कैसा बना है। और ये देखिए एकदम बन के तैयार है। तो मैं इसी जगह पे धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छा से बन गया, इसका कंसिस्टेंसी भी अच्छा है। मैं सर्व कर दूँ। ये देखिए गर्मा गर्म मिक्स खिचड़ी तैयार है, और ये बहुत ही हेल्दी यम्मी डिलीशियस है। आप इसके अंदर घी बटर डाल के खा सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।